भारतीय किसान यूनियन असली के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरपाल सिंह बिलारी का कुचेसर चौपला बाबूगढ़ में सोमवार को जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष हरपाल सिंह ने कुचेसर चौपला पर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और कहा कि ट्रैक्टर ट्रॉली पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ वह आंदोलन करेंगे। इसी के साथ हरपाल सिंह ने कहा कि जिस तरह से आवारा पशुओं से सुरक्षा के लिए खेतों की तारबंदी की जाती है, लेकिन प्रदेश सरकार ने इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। हरपाल बोले कि सरकार इस आदेश को वापस ले, वरना बड़ा आंदोलन होगा। आज हमारा बुलंदशहर जिले में पीपी नगर में बहुत बड़ा कार्यक्रम है, वही वहाँ मार्च मिले हो रहा हमारे कदम का, हम लोग वहाँ जा रहे हैं। कल हमारा मुराद में हुआ था, हम जिले वाइज कार्यक्रम कर रहे हैं, जनजागरण अभियान चला रहे हैं। हमारा कार्यक्रम ये है, हम ये बताना चाहते हैं अपने देश के किसानों को, आम पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए। अभी हमने पहले प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि हमने उन लोगों का रास्ता साफ किया है, औद्योगिक किसानों का 100 कानून खत्म कर दी भारत के जो अड़चन थे उनकी व्यापार में। हम ये सवाल पूछना चाहते हैं आज भारतीय सरकार से, आपने उद्योग रास्ते की कुछ कर दिया हमें, लेकिन किसानों पे आप रोज नए कानून क्यों ला रहे हैं, किसानों क्यों मार रहे हैं आप? मैं दो उदाहरण दूंगा आपको। अभी एक आदेश आया यूपी के अंदर, एक एक्सीडेंट हो गया था पूरम में ट्रॉली का, और फौरन ट्रॉली बैन कर दी। वही किसान 10 व्यक्ति ट्रॉली बैठे पाए जाएंगे, 10,000 जुर्माना होगा। अगर ये सब बात होगी ना, एक्शन हमारा कहना है कि एक्सीडेंट के लिए आप ट्रॉली बैन करने जा रहे हैं। एक्सीडेंट तो अभी रेल का हुआ था, और पहली बार ऐसा हुआ कि ट्रेन टकराई भैंस से और ट्रेन टूट गई। जो ट्रेन मोदी जी की थी शताब्दी एक्सप्रेस, वो टूट गई। पहली बार देखा आपने, ट्रेन बंद कर दो। हवाई जहाज एक्सीडेंट हो रहे हैं, गाड़ी एक्सीडेंट हो रही है, एक्सीडेंट के नाम पर आप ट्रॉली बंद करो क्या? ट्रॉली किसानों की लाइफ लाइन है सर्विस के लिए। नंबर एक, एक कानून बनाया, पत्ती जलाएंगे हम अपने खेत की, 1 करोड़ का जुर्माना। क्यों? पॉल्यूशन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट तय कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया कि हिंदुस्तान में किसान केवल 4% पौधे फैलाते हैं पत्ती द्वारा, 4%, 96% तो उद्योग फैला रहे हैं। तो पौधों को लेकर पत्ती जा रहे हैं आप, तो तमाम इंडस्ट्री बंद कर दो। बसों में निकल लिया पौधे, गाड़ियों में होता है, इंडस्ट्री होता है, एक तमाम बहाना मार के जो इस तरह हमारे काम डाल रहे हैं, इसके हम खिलाफ खड़े हैं। गन्ने का दाम 5 साल में कितना बढ़ा पता आपको? 5 पैसा किलो, 5 पैसा किलो गन्ने का दाम बढ़ा है, और लागत गन्ने की 50 रुपये बढ़ा दी गई है। असम है डाई का दाम 14 पैसा किलो, गन्ने का 5 रुपये किलो, और 5 रुपये का दाम बढ़ा, पेमेंट 1-1 साल पुराना रुका नहीं हो रहा। ऑलरेडी कानून है, हमारे लिए कानून है, कोई फैक्ट्री गन्ने की अगर 14 दिन पेमेंट गन्ना ले ले हमारा और भुगतान ना कर 15 दिन, तो 15% ब्याज देना होगा। किसानों की रणनीति बनाई जाएगी, जो अभी उन्होंने व्हाइट में बताया था आप सब लोगों को, उसी के बाद उस तरह के भाई जो किसान के साथ अत्याचार हो रहा है, ट्रैक्टरों के चलान काटने की बात है, कहीं बिजलियों के बिलों की बात है, उन सब पे वहाँ रणनीति तैयार होगी, और उसके साथ हम सब लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष का समर्थन करके उनके साथ रहेंगे। बाबूगढ़ पहुंचने पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान गन्ना भुगतान का मुद्दा भी गरमाया। बता दें कि हरपाल सिंह बुलंदशहर के बीवी नगर में आयोजित महापंचायत में शामिल होने जा रहे थे, जिनके स्वागत के दौरान मंडल मीडिया प्रभारी राजीव तेवतिया, संदीप चौधरी, सुमित, योगेंद्र सिरोही, प्रमोद त्यागी, महावीर, मोहित, दीपक कुमार, कपिल महावीर आदि उपस्थित रहे।